यहाँ पे ये देखें सोइयाँ भी माशाल्लाह बस तैयार होने वाली हैं। इसके साथ तो मैचिंग की ये वाली है पर्पल के साथ पर्पल। कपड़ा इधर डाल के ना और जल्दी जल्दी सूट इस्त्री कर लेती हूँ तो नमाज पढ़ने चले जाएं। उसके बाद जो है मलाइका हुरैन को जो है फिर मेहंदी भी लगानी है। मलाइका हुरैन जो है उठ गई हैं और इनको बहुत जल्दी हो रही है कि जल्दी से मम्मा हमें जो है कपड़े पहना दें। कपड़े पहले नहीं, पहले आप मेहंदी लगाओगी बाद में कपड़े। ओके परफ्यूम तो दो यार। ये अभी ना गग्गू आ गया। गग्गू आ गया भाई, नमाज पढ़ने जा रही। मेरी गग्गू नमाज पढ़ने जा रही थी। वो मुंह पे लग जाएगा। हुरैन फिर सो गई है। रोल वाला भी आ गया। हुरैन उठो मेरा बेटा। जो हमें सेवैयाँ बनने रख दिए मैंने, तो जब तक सलीम आएंगे सेवैयाँ तैयार होंगी। अभी इसमें जा डालते हैं दूध और सेवैयाँ जो है बाद में डालेंगे। पहले इसमें दूध डालते हैं और बच्चों को लगाते हैं फिर मेहंदी। जान हिलाते नहीं है जी। मेहंदी जो है लग गई है और अभी ये खुश्क होगी, फिर जो है इनको मैं जो है कपड़े चेंज कराती हूँ। और इधर जो है गाँव से कॉल आई हुई है। यहाँ पे ये देखें सेवैयाँ भी माशाल्लाह बस तैयार होने वाली हैं। तो मैंने खुद जो है देर से बनाई हैं क्योंकि बच्चों को मेहंदी भी लगानी थी और कपड़े भी सुबह जो प्रेस करने थे हस्बैंड के, तो इसलिए जो लेट हो गई। ऊंचा भी बोल यार। ऊंचा बोलेगी तो आवाज़ जाएगी ना। बोलो ईद मुबारक दादो। तो सलाम करो। फूल दे रही दादू दे। माशाल्लाह प्यारी लग रही है। चल बस अब मेरी बेटी को क्या खिलाऊं, सेवैयाँ खाएगी या केक? हम सेवैयाँ खाएंगे, आंटी को भी देंगे। ओके okay. अब मलाइका हुरैन ले रही है अपने पापा से ईदी। वाह भाई वाह। इसको पता है तो तुम लोग अभी ये खा लोगे ना, बाद में ईदी लेना मम्मा की तरफ से। बाद में जब मम्मा तैयार होगी फिर तुम लोग मम्मा से लेना। ओके okay? चलो भाई ये भी लो बस। चले पर्स का है मेरी बेटी। पर्स? ओ पर्स तो याद ही नहीं। पर्स तो मुझे भी याद नहीं था, पर्स अंदर रह गया। ये लो जी पर्स, ये वाला मेरा पर्स था। और ये लो ये हुरैन का, ये लो सही है। चलो अभी जूते भी पहन लो अपने। ये मलाइका का ये वाला लाइट पिंक। गगू नहीं बेला का शूज पहना रहे हो ना। चलो बेला का शूज शूज पहना रहे हो। फिर ऐसे भी पकड़ते ना। हट जा यार तू।
थैंक यू। ये मेरे। और अभी चाय जो है, मैं चाय कहाँ पे रखूँ, चाय यहाँ पे रख देती हूँ। मैं ये अलमारी खोल के बैठी हुई हूँ और चूड़ियाँ जो है मैं निकालती हूँ। और बताओ मुझे कि मैं ड्रेस कौन सा पहनूँ, ये वाला पहनूँ, ये वाला कौन सा? पर्पल वाला। चले जी, पर्पल वाले को इस्त्री करते हैं, पर्पल वाला पहनते हैं और पहले चूड़ियाँ पहनते हैं। इसके साथ की जो है चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ, ये वाली चूड़ियाँ पर्पल के साथ पर्पल मैच हो रही हैं। और इसको जो है अभी प्रेस करती हूँ, इन कपड़ों को रख देती हूँ और सबसे पहले पीती हूँ चाय, चाय पीती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। चलिए जी, अभी जो है मैंने कपड़े बस पहन लिए हैं, ये देखें जी कपड़े पहन लिए मैंने। मेहंदी जो है बस इस हाथ पे बस लगाई है और थोड़ा सा भी करते मेकअप। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्लाह पाक के करम से हम भी ठीक हैं। तो जी अभी और सुबह का टाइम और आज ईद का पहला दिन और आप सबको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से ईद मुबारक आप सबको जहाँ से भी देख रहे हैं आप लोग। और अभी जो है बच्चों को जो है मैंने तैयार कर लिया, कब से ही तैयार कर रही है और मैं बस अभी तैयार हुई, बहुत लेट तैयार हुई। उससे यकीन करें मैं जो कल की वीडियो चांद रात की जो बना रही थी, चांद रात को जो मैं ना मतलब सारी रात सुबह 5:30 बजे जाके सोई हूँ, 1.5 घंटा सोई होंगी फिर उठ गई हूँ। और मैंने अपने कपड़े ऐसे ही पहने, मैंने इस्त्री वगैरह भी नहीं की है। मुझे इतनी यकीन करें सुस्ती हो रही है और इतनी नींद आ रही है और ऐसा पहली बार ही हो रहा है कि उसे नींद भी पूरी नहीं हुई। और जो है हस्बैंड भी मतलब जब से शादी हुई और जब से काम कर रहे हैं ना, मतलब तब से जाके पहली मतलब ईद होगी जो हमारे साथ घर पे मना रहे हैं। और जी अभी जो है स्ट्रीम अभी घर पे बात कर रहे हैं, गांव में अपनी अम्मी और उससे गांव में बात हो रही है, 1.5 घंटा से ही लगे हुए, सबसे बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। और जी अभी अम्मी के घर भी जो है सोच रही थी कल जाऊँ या परसों जाऊँगी अम्मी के घर में। और बस अभी सिस्टर ने बताया कि अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो फ़ोन पे तो मैंने सलाम दुआ कर लिए पर सोच रही हूँ चली जाऊँ, कोई भाई जो है दूसरे भी नहीं आए, मतलब फ़ोन पे उन्होंने भी मेरी तरह फ़ोन पे ही कर ली, एक भाई हो के जो है चला गया। तो अम्मी अभी अकेली है तो मैंने सोचा चलो मिल भी आती हूँ, अम्मी का तबीयत का भी पूछ लेती, ईद मुबारक भी कर देती हूँ। और बस आज पहला दिन है तो बस अम्मी के घर ही जा रहे हैं, मलाइका वोरन तैयार है। तो असलीम ने कहा कि हुज़ैफ़ा को भी आप कमीज़ शलवार ही पहनाएं और मैंने भी कमीज़ शलवार पहनी, तो मैंने कहा चले ठीक है। जो अम्मी ने जो भेजे थे ना और गग्गू के कपड़े, तो मैंने उनमें से जो एक गग्गू को ड्रेस पहना दी है और मैंने जो है ये देखें पर्पल चूड़ियाँ पहन ली हैं। तो हस्बैंड ने कहा कांच की जो वाइट वाली पहने, तो मैंने कहा नहीं वो बाद में पहनूंगी, तो अभी दिल कर रहा है पर्पल पहनने को और आप लोगों ने बताना कैसी लग रही है। तो बस अभी जी मैं अबाया पहनती हूँ और निकलती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, अभी टाइम और 12:30 का बस एक होने वाली है अजान, शायद हो रही होंगी मेरे ख्याल, एक और अजानें हुई कि नहीं हुई, और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया 1 बजने को हैं। और मैंने जो है सवैयाँ बनाई हैं, मतलब सब कुछ जो है वैसे का वैसे ही पड़ा, और सोचो साथ में कोल्ड ड्रिंक ले जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाती, ईद का मौका है, मिठाई तो मैंने खुद भी नहीं ली और रात को रश भी बहुत ज़्यादा था, यकीन करें चांद रात को जो मिठाई हालांकि सलीम ने लेनी थी ले नहीं पाए, तो हमने इस वजह से जो केक ले लिया है। और अभी जब हम लोग जो हैं बस इसको शॉपर में डालते हैं और बस निकलते हैं। चले क्या चीज़ इसका बैग था? हाँ वो भी पड़ा हुआ है, मलाइका वो बैग लेके आओ मेरा बेटा, गग्गू को जूते वगैरह भी पहना दो। तो बस अबाया पहनते हैं और निकलते हैं, फिर मिलते हैं अम्मी के घर में। चलो चलो भाई, तुम्हारी तो अभी तक गपशप नहीं ख़त्म हो रही, चलो मैं सोच रही घर तो वैसे थोड़ा करीब ही है, फिर भी 3-4 गलियां चलना पड़ेगा, तो अभी रक्षा ही करवाते हैं ना, तो रक्षे पे ही चलते हैं, बच्चे भी साथ में थक गए हैं, मिल तो जाएगा क्यों नहीं मिलेगा, बस रक्षा करवाते हैं, बच्चों को देखे साथ से। तितलियों को देखो भाई, तितली तो सही करो अपनी, इनको देखो चलता इंतज़ार कर रही है किरा। चलें पहुंच गई नानों के घर में, चलें जी। चलें जी चलते हैं अभी अंदर, अंदर बैठी हमें अभी तो
चीजें लेके आई है, फिर चीज लेके आनी है उन्होंने। और इस कमरे में लाइट एक से और लगा हुआ, इसलिए जो लाइट डिम डिम में। और मलाइका और अभी आई है नानों से ईदी लिए और भी चीज लेने के लिए गई हुई है बाहर। इधर रैली भी लग गया है। वो भी ने ये लो, इसको पानी निकाल कर। एक बच्ची राय वगैरह को लगता फिर चीज के लिए भाग। क्या बन दे, आ जा, क्या बन दे यार, देख पे काम के बस। आज चाय पीनी, आ जा मेरा बेटा, सबर कर, अल्लाह दी मर्जी। आ जाओ आ जाओ, अल्लाह पाक गया हारी है। इसको क्यों लेके आई है, नसीब देगा, ये भी खाएगी। गग्गू खाना है, मैं गग्गू है। तुझे क्या हो गया बच्चा? गग्गू को देखो, किसकी बर्थडे? नानू की बर्थडे। नानू की बर्थडे, केक कितना प्यारा है माशाल्लाह। आजा गग्गू, गग्गू जी हैप्पी बर्थडे बोले। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, पूछे बोला। चलो भाई ताली बजाओ, हैप्पी। नानो की ईद बर्थडे थी, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मुझे नहीं अच्छा लगता पाइने वाले। बड़े में लेगी क्या बात है, मैंने खुद दिया छोटा ये। चलो वाह वाह, दादा हो जाएगा। एक और रख लो फर्स्ट टीम का। चलो चलो बस बस, चलो चलो चलेंगे। क्या क्या हुआ? ये ले आपका और मेरा एक साथ। तो पाइनएप्पल वाला है ना, थोड़े यहां पे हो जाओ ना। ये खीर के सवैया है, ये वाइट सवैया है ना। तभी जी हम लोगों के अम्मी के घर से जो है आ चुके हैं, 10-15 मिनट तो हो चुके होंगे। और गए तो हम लोग रक्षे पे, आए अभी पैदल है। जैसे जो है दोपहर को जो है ना थोड़ी धूप थी और मैंने कहा बच्चे थक जाएंगे, अभी मौसम शाम के टाइम जो है बहुत अच्छा था, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। तो हमने कहा चलो पैदल पैदल चलते हैं, मैं तो इतना दूर भी नहीं है अम्मी का घर। तो हम लोग पैदल आ गए, तो अभी जो है बस दिल कर रहा था चाय पीने को, सलीम गए अभी दूध लेने के लिए, बच्चे भी जो है साथ चले गए। थोड़ा बहुत जो कमरे में सामान फैला हुआ है, उससे जब बच्चों की तैयारी वगैरह की वैसे ही सामान पड़ा हुआ है। और किचन के सुबह नाश्ते वाले बर्तन जो छोड़ के गई थी वो जो है वैसे ही पड़े हैं। तो बस आज जो ईद का पहला दिन था और बहुत अच्छा गुजरा। तो आज अम्मी के घर सोचा तो नहीं था, अम्मी के घर से पहले दिन ही जाएंगे, मैंने सोचा था दूसरे दिन या तीसरे दिन ही जाएंगे। तो बस थोड़ी सी अम्मी की तबीयत जो है ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा चले जी आज ही अम्मी के घर चले जाते हैं। और तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, मतलब कि फुल मतलब इन्जॉय किया हम लोग। सलीम तो जाते जो थोड़ी देर बाद जो है सो गए थे खाना वगैरह खा के, और फिर जो हम लोग गपशप करते रह गए, तो दिन का पता ही नहीं चला कैसे गुजर गया। तो बस आज का दिन तो पहला बहुत अच्छा गुजरा अम्मी के घर में। और बस इस वीडियो का यहीं पे करती हूँ एंड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में यार। तो कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।